जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी इस सुपर क्लास से। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों आज की क्लास में जीके के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु थे। परीक्षा में पूछा जाएगा सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा गुरु नानक देव। इनका जन्म हुआ था तलवंडी में, सी करेक्ट आंसर होगा। कहाँ जन्म हुआ था? तलवंडी में जन्म हुआ था। अब पूछ सकते हैं वर्तमान में तलवंडी कहाँ पर है? वर्तमान में तलवंडी पाकिस्तान में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दो इस प्रकार से है, नील नदी घाटी में निम्न में से किस सभ्यता का विकास हुआ है? क्या पूछा गया है? नील नदी घाटी में निम्न में से किस सभ्यता का विकास हुआ है? सुमेर की सभ्यता का, मिस्र की सभ्यता का, मेसोपोटामिया की सभ्यता का, या तो बी करेक्ट आंसर होगा मिस्र की सभ्यता का, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा नील नदी घाटी में मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड इवनिंग, जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बी करेक्ट आंसर होगा मिस्र की सभ्यता करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीन, जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? एक क्वेश्चन परीक्षा में खेल से संबंधित पूछा जाएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तो सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर तीन के लिए जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित है, बी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा ये जसपाल राणा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर इस प्रकार से है, अजय पाल संस्थापक थे, निम्न में से किस शहर की स्थापना अजय पाल ने की थी? अलवर की, भरतपुर की, अजमेर की, या फिर चित्तौड़गढ़ की? तो क्वेश्चन नंबर फोर के लिए आंसर करिएगा, बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा अजमेर की, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अजमेर के संस्थापक थे अजय पाल। अजमेर कहाँ पर है? तो ये राजस्थान का शहर है। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में है, और अजमेर की स्थापना की थी अजय पाल ने, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव इस प्रकार से है, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? क्या करेक्ट आंसर होगा? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। पूछा जाता है किसने नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। इसी के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगर पूछा जाए करो या मरो का नारा कब दिया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने दिया था? महात्मा गांधी ने 1942 में। ए करेक्ट आंसर होगा, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये अलग आंदोलन था, ये अलग आंदोलन था, ये हुआ था 1930 में, इसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यहां पर पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स इस प्रकार से है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, बहुत अच्छे। अगर पूछा जाए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी? 1866 में। कहां पर की थी? लंदन में। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, लंदन में स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन इस प्रकार से है, विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? सॉरी, भारत में पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? अगर पूछा जाए विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा चाइना में। कहाँ पर? चाइना में। विश्व में
सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। और अगर पूछा जाए भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है, आप लोग याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में। बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है भारत में। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, भारत में दूसरे स्थान में चावल के उत्पादन मध्य प्रदेश है और पहले स्थान पर वेस्ट बंगाल है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए मशरूम क्या है, क्या पूछा गया मशरूम क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कवक, पौधा, पशु या फिर बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कवक। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मशरूम एक कवक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से कौन खारे पानी की झील नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन खारे पानी की झील नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। गुड। ऑप्शन इस प्रकार से है, कैस्पियन सागर, बैकाल लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक, बॉन लेक, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो बी करेक्ट आंसर होगा बैकाल झील। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा बैकाल झील, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है बैकाल लेक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बाकी आप लोग याद रखिएगा कैस्पियन सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक और बॉन झील, ये सभी खारे पानी की झील है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा पीसी महलनोबिस। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महलनोबिस थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। वरिंद के मैदान निम्न में से किस राज्य में पाए जाते हैं, इनमें से किस राज्य में भारत में वरिंद के मैदान पाए जाते हैं, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। डी करेक्ट आंसर होगा, वेस्ट बंगाल में वरिंद के मैदान पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल निम्न में से कौन सी है, इनमें से कौन सी फसल वर्ष भर बोई जाती है, उड़द, गेहूं, राई या फिर मक्का। बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा मक्का, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मक्का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से है, सी ए डी का फुल फॉर्म क्या होता है, सी ए डी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का। गुड। ए करेक्ट आंसर होगा, कंप्यूटर एडिड डिजाइन। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सी ए डी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडिड डिजाइन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, भारत में कहां पर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछा जाए भारत में सबसे ऊंचाई पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी लोग याद रखिएगा, सबसे ऊंचाई पर स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है और यह भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल शासक कौन था, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या फिर नन ऑफ दीज। ए करेक्ट आंसर होगा, शाह आलम द्वितीय। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से, पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है। क्या पूछा गया है, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या सी करेक्ट आंसर होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया की वजह से उत्पन्न होता है। तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका, आंत ज्वर,
टाइफाइड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 इतिहास से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाए सराय घाट की लड़ाई किसके किसके मध्य हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा असम का अहोम साम्राज्य था और मुगल थे। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड, आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। ये करेक्ट आंसर होगा इसका। 1671 में कब हुई थी लड़ाई? 1671 में हुई थी। सरायगढ़ का जो युद्ध है 1671 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यस, 1671 करेक्ट आंसर होगा। गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए, बताइए मोती मुख्य रूप से किससे बने होते हैं, किस पदार्थ से बने होते हैं? मोती क्या करेक्ट आंसर होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम परमैंगनेट या फिर कॉपर सल्फेट? ए करेक्ट आंसर होगा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार से है, चेरा पूंजी स्थित है, बताइए किन पहाड़ियों में स्थित है चेरा पूंजी? अगर पूछा जाए किस राज्य में, राज्य भी पूछ सकते हैं, तब आप लोग याद रखिएगा मेघालय में। कहां पर है? मेघालय में है चेरा पूंजी। और ये किन पहाड़ियों में स्थित है? सी करेक्ट आंसर होगा, खासी पहाड़ियों में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, खासी हिल्स में स्थित है चेरा पूंजी और मेघालय राज्य में है। सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पॉलिटी संबंधित प्रश्न है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप लोग याद रखिए आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर होगा, 40 डेज। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 60 करेक्ट आंसर नहीं होगा। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है अनुच्छेद 60। 61 करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है राष्ट्रपति पर। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिएगा, गाजर में किस विटामिन की प्रमुखता होती है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, गाजर किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? ए करेक्ट आंसर होगा, विटामिन ए गाजर में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विटामिन ए का केमिकल नेम पूछ सकते हैं, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन इस प्रकार से है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? निम्न में से किसे झीलों का देश कहते हैं? आयरलैंड को, फिनलैंड को, स्कॉटलैंड को या फिर नॉर्वे को? बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 23 है। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, फिनलैंड को। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार से है, साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार क्यों किया गया था? यह आपको बताना है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि? साइमन कमीशन भारत कब आया था पूछा जाता है? 1928 में भारत आया था। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय ने अपनी जान गंवाई थी। अगर पूछा जाए लाला लाजपत राय ने जान क्यों कैसे गंवाई थी, तो आप लोग याद रखिएगा साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने जान गंवाई थी। बहुत अच्छे, यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। जो साइमन कमीशन भारत आया था, इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था और नारा एक दिया गया था, साइमन वापस जाओ। अगर पूछा जाए किस नारे के साथ बहिष्कार किया गया था, तब आप लोग याद रखिएगा साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। गुड, जेट इंजन का आविष्कार पूछा गया है किसने किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सर फ्रैंक विटल।
इन्होंने जेट इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, आपको बताना है निम्न में से कौन एक नोबल गैस नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन नोबल गैस नहीं है। डी करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, नाइट्रोजन नोबल गैस नहीं है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, ऑर्गन, नियोन, हीलियम, ये सभी ऑर्गन गैसेस हैं, सॉरी ये सभी नोबल गैसेस हैं, तो डी करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रोजन नहीं है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। शिवाजी ने कई बार मैंने आपको बताया मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, तो सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, सी करेक्ट आंसर होगा, अंग्रेजों ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सी करेक्ट आंसर होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में पूछा जाएगा, कहाँ पर है, असम में है, और इसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 इस प्रकार से है, चौहान वंश की स्थापना किसने की थी। चौहान वंश के संस्थापक पूछे गए हैं कौन थे। सी करेक्ट आंसर होगा वासुदेव, इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी, कई बार मैंने आपको बताया भी है पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। विष्णुवर्धन होयसल वंश के एक शासक थे, अगर पूछा जाए किस वंश से संबंधित है, विष्णुवर्धन, तो आप लोग याद रखिएगा होयसल वंश के शासक थे। और चंद्रदेव, इन्होंने गढ़वाल वंश की स्थापना की थी, गढ़वाल वंश के भी संस्थापक पूछे जाते हैं, तब आप लोग याद रखिएगा चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है, जियो और जीने दो किसने कहा था, ये नारा किसने दिया था, जियो और जीने दो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इन्होंने कहा था जियो और जीने दो, ए करेक्ट आंसर होगा। 31 इस प्रकार से है, टू लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए क्या पूछा गया है, टू लाइफ्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। सी करेक्ट आंसर होगा, सलमान रुश्दी ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यह UPSI की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए, गांधी को महात्मा किसने कहा था, गांधी को महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 33 के लिए आंसर करिएगा, निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, मेलघाट टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व, डम्फा अभ्यारण्य, भद्रा अभ्यारण्य, बताइए निम्न में से कौन मिजोरम में स्थित है। बहुत अच्छे, ये क्वेश्चन नंबर 33 है। सी करेक्ट आंसर होगा, डम्फा अभ्यारण्य। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, जो डम्फा अभ्यारण्य है मिजोरम में, तो सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, पूछा जाएगा कहां पर है, महाराष्ट्र में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटका में, और डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 34 इस प्रकार से है, महावीर का मूल नाम क्या था, अभी मैंने आपको बताया था स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, अब प्रश्न में पूछा गया इनका मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या फिर नन्न अवतीर, तो सी करेक्ट आंसर होगा वर्धमान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिएगा, किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं? इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेडियम। यस बी करेक्ट आंसर होगा, रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहते हैं। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, यूरेनियम येलो केक के नाम से जाना जाता है, कई बार मैंने आपको बताया भी है कि किस खनिज को येलो केक कहा जाता है, पीला केक कहा जाता है, यूरेनियम को येलो केक कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें, पारा एकमात्र धातु है, पूछा जाएगा प्रश्न परीक्षा में कौन सी एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बहुत अच्छे। और मिनी माता रोग आप लोग याद रखिएगा, मरकरी की वजह से होता है, पारा की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, ये क्वेश्चन SSC की बहुत सी परीक्षाओं में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म के ग्रंथ हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और इनकी जो रचना है पाली भाषा में की गई है, किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, प्राकृत करेक्ट आंसर नहीं होगा, पाली करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37 इस प्रकार से है, राम सेतु शुरू होता है भारत और श्रीलंका के मध्य, राम सेतु भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, आपको बताना है ये भारत में कहां से शुरू होता है, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? ए करेक्ट आंसर होगा, धनुषकोडी से। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, भारत में धनुषकोडी से शुरू होता है राम सेतु, श्रीलंका तक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 37 का ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 38 इस प्रकार से है, साउथ कोरिया की करेंसी बताइए, व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया? अगर राजधानी पूछी जाए तो आप लोग याद रखिएगा, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। क्या है? साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। करेंसी साउथ कोरियन बॉन है। बी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, साउथ कोरिया की करेंसी साउथ कोरियन बॉन है और राजधानी अभी मैंने आपको बताई सियोल। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करिएगा, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु पूछी जाती है कब हुई थी, 1707 में हुई थी, 1707 में हुई थी, और उस समय जो मराठा साम्राज्य था ताराबाई के हाथों में था। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ताराबाई करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 इस प्रकार से है, किस कांच का प्रयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है? क्वेश्चन को समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, किस कांच का प्रयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है? तो डी करेक्ट आंसर होगा, पायरेक्स कांच, या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। 41 इस प्रकार से है, नासिक किस नदी किनारे स्थित है? नासिक किस नदी किनारे बसा है? क्वेश्चन नंबर 41 है ये, गंगा गोदावरी कावेरी या फिर तुंगभद्रा? क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर करिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा, गोदावरी नदी किनारे स्थित है और महाराष्ट्र में है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ था, 1937, 1952, 1957 या फिर 1965 में? ए करेक्ट आंसर होगा, 1937 में, 1937 में भारत में एग मार्क एक्ट लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, आपको बताना है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक बताने हैं माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के, कपिल देव, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी। डी करेक्ट आंसर होगा, लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, लोकप्रिय त्यौहार चावोत किस भारतीय राज से संबंधित है? क्या पूछा गया है? अब इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चावोत क्या है? चावोत एक लोकप्रिय त्यौहार है, मुख्यतः भारत में गोवा से संबंधित है। किस राज से संबंधित है मुख्यतः?
गोवा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 45 क्वेश्चन इस प्रकार से है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जानते हैं? ए करेक्ट आंसर होगा, अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 47 के लिए आंसर करिएगा, लेपचा जनजाति भारत में मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? क्या पूछा गया है? जो लेपचा जनजाति है भारत में मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम या फिर महाराष्ट्र में? तो सी करेक्ट आंसर होगा, मुख्यतः सिक्किम में पाई जाती है लेपचा जनजाति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 48 क्वेश्चन इस प्रकार से है, इंडियन अरेस्ट के लेखक कौन है? बताइए इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर वैलेंटाइन सरोल? बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वैलेंटाइन सरोल। इन्होंने इंडियन अनरेस्ट को लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर आपको बताना है निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा, पिरनी पर्वत। यह फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया था, यह किस महाद्वीप में है? अगर पूछा जाए पिरनी पर्वत किस महाद्वीप में है, तो आप लोग याद रखिएगा यूरोप महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा, घूमर पन्हारी किस राज्य के लोक नृत्य हैं? घूमन और पन्हारी आपको बताना है किस राज्य के फोक डांसेस हैं? राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। अलग अलग करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घूमर कहाँ संबंधित है, तो आप लोग जानते भी होंगे घूमर राजस्थान से संबंधित है और पन्हारी ये भी राजस्थान का फोक डांस है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कालबेलिया पूछा गया था परीक्षा में, कालबेलिया नृत्य कहाँ संबंधित है, कहाँ का फोक डांस है? कालबेलिया भी मुख्यतः राजस्थान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आंसर करिएगा, आपको बताना है किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए निम्न में से किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है? असम में होता है। आप लोग याद रखिएगा भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में होता है और विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन चाइना में होता है। अभी आपको बताना है निम्न में से किसे चाय का उत्पादक राज्य नहीं मानते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को भारत में धान की डलिया कहा जाता है। बाकी असम, केरल, वेस्ट बंगाल ये सभी चाय उत्पादक राज्य हैं, छत्तीसगढ़ नहीं है। डी करेक्ट आंसर होगा। 52 के लिए आंसर करिए, निम्न में से कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से आपको बताना है कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? यस, यूनेस्को में शामिल है कालबेलिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी कोयना, भीमा, तुंगभद्रा ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, जिम्बाब्वे की राजधानी बताइए निम्न में से क्या है? आपको जिम्बाब्वे की राजधानी बतानी है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। क्या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है, कई बार मैंने आपको बताया भी है, और ये हडसन नदी के किनारे बसा है। बाकी लुसाका जाम्बिया की राजधानी है, पूछा जाएगा परीक्षा में जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका है। ओटावा कैनेडा की राजधानी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए, रेगुर मिट्टी निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक है? रेगुर मिट्टी, इसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। पूछा जाएगा परीक्षा में कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है, इसी को रेगुर मृदा कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं, और यह सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। 55 के लिए आंसर करिए, प्रतिरोध का मात्रक बताना है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, सी करेक्ट आंसर होगा। 56 के लिए आंसर करिएगा, फीफा किससे संबंधित है? क्या पूछा गया है? फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है फीफा, और इसका जो आयोजन है 4 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। पूछा जाएगा परीक्षा में कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है फीफा का आयोजन? 4 वर्षों के अंतराल में किया जाता है, फुटबॉल से संबंधित है।
57 इस प्रकार से है क्वेश्चन, माचिस की तीलियों में होता है, माचिस की तीलियों में क्या होता है? रेड फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 इस प्रकार से है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए, आपको बताना है वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन वंश को पुष्पभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। थानेश्वर में स्थापना किसने की थी इस वंश की? सी करेक्ट आंसर होगा, पुष्पभूति वर्धन ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आंसर करिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। कुचिपुड़ी कहां संबंधित नृत्य है? कुचिपुड़ी नृत्य आपको बताना है मुख्यतः कहां संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहां संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। ये वाली क्लास होती है डेली शाम को 8 बजे, स्पेशल जीके जीएस का सेशन है, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे, अगली क्लास होगी कल सुबह 7 बजे, टाइम को याद रखिएगा, कल सुबह 7 बजे सभी क्लास को ज्वाइन कीजिए। पसंद आए क्लास लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक